तेरी घोर तपस्या सफल हुई। आंखें खोल राक्षस, आंखें खोल। बोल, तुझे क्या चाहिए? सब चाहिए। ब्रह्मा, मुझे सब चाहिए। मैं हूं रावण, सूरज मेरी मुट्ठी में है, ब्रह्मांड मुझसे कांपते हैं, यहाँ 7 गुण हैं और 9 रस हैं, पर मेरे तो सिर 10 है। पहला जो देखता था वो कहता था काली जुबान थी, अब बेजुबान है, और ये दूसरा विष्णु का भक्त है, विष्णु को श्रेष्ठ समझता है, नादान है। ये तीसरा बड़ा चतुर है, हर बात जनता के नजरिए से देखता है, जनता सब जानती है, ये जानता है। ये चौथा कमीना बदतमीज लड़ाकू, पर मुझे प्यारा है। पांचवा तो मैं हूँ पंचम, खुद रावण सृष्टि का भगवान। ये छठा सिर्फ गूंज है प्रभाव के लिए, और ये सातवा भुलक्कड़ आत्मा, मेरे शाप से इसकी बुद्धि का हुआ खात्मा। आठवा सच्चा खबरी है, हर हिलते पत्ते इक्के दुक्के सते की खबर है इसे। और नौवा क्रांति की ज्वाला है, मेरा तक पलटने के सपने देखता है। बेचारा दसवा बड़ा ज्ञानी था, इसे तपस्या में लीन किया मैंने, सुला दिया, कर तपस्या ज्ञानी, पर तपस्या भंग हुई है देवताओं की, आज फिर कोशिश करेंगे लेकिन मरेंगे। मनोरंजन भागो, कहाँ भागोगे, छुपो, कब तक छुपोगे, अब मैं ही वायु हूँ, मैं ही जल, मैं ही काल, अब मैं ही हूँ तुम्हारे भगवानों का भगवान। इस मूर्ख को घमंडी बनाने का कुछ श्रेय आपको भी जाता है ब्रह्मदेव। प्रभु, अब वो 1000 साल की तपस्या करके हमसे डमरू तो नहीं मांगता? हाँ, कम से कम आपसे तो नहीं, पर क्योंकि दया के सागर ब्रह्मदेव ने रावण को मनुष्यों से सुरक्षा नहीं दी, एक रास्ता है। अयोध्या नरेश दशरथ कई वर्षों से संतान के लिए तप कर रहे हैं, मैं उनका पुत्र बनूंगा और आप मेरी मदद के लिए जीव जंतु बनकर आएंगे। अब इस 10 सर वाले को घुटनों पे लाते हैं।
मासूम चेहरे के पीछे छुपा है? राम भैया, अब मेरी बारी। गोलगप्पे बारी तो दोनों की आई है, एक अवतार के साथ दूसरा मुफ्त। लक्ष्मण, तीर को ऐसे पकड़ना है जैसे गुरुजी ने सिखाया था। भैया, ये तीर बहुत मोटा है। लक्ष्मण, तुम्हारी अकल मोटी है, ऐसे पकड़ो। लक्ष्मण, पीछे हटो। भैया, इस पे सवारी करते हैं। नहीं लक्ष्मण, जैसे पहले गुरुजी ने कहा, धनुष मार। अरे भाई, इसी बात का डर था। अब पूर्ति खबर वाले क्या कहेंगे? 5 की हार के बाद नए लीडर की तलाश जारी है। 9 की संभावना भारी। बस अगली बार अवतार मसलने के लिए कोई भाड़े का टट्टू नहीं, खुद रावण आएगा। चलो वापस। क्या हुआ?
मत, पीछे हटो। आजा बिल्ली। माताओं और भ्राताओं, अयोध्या पर हमले से पहले याद रहे, हमें देवों से अजय रहने का वरदान मिला है, लेकिन मनुष्यों से नहीं। बुढ़े ब्रह्मा ने वरदान भी दिया तो सितारा लगाकर। वरदान शानदार, पर शर्तें लागू, मनुष्यों से पंगा नहीं। युद्ध गया खीले ने, इसको तो मैं ऐसे ही मार देता हूँ। लोहा गरम है, मामला नरम है। अरे बच्चा छोटा है, रावण कितना मोटा है। उड़ती खबरें भोपू बजा देंगी। तो क्या करूं? 20 हाथों से कंचे खेलूं? अरे बड़ा होने दो, पुरुष कहलाने दो, श्रेय भी मिलेगा। भारी भरकम विष्णु अवतार का वध कौन हरा सकता है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ वर्ष रुकता हूँ, तब तक महादेव शंभु को खुश करके एक और वरदान लूंगा, और उसके बाद अवतार जी की निकलेगी सवारी स्वर्ग लोक की ओर। मंथरा, हम कबू से कही हैं, हमका कैरी चाहिए। कैरी? कितना कैरी खाती है, दांत खट्टे नहीं होते तेरे? माँ हटो। राम, ये कोई खेल का मैदान है क्या? क्षत्रिय के लिए सब मैदान है माँ, उस पार आज निर्णय होकर रहेगा। सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे तगड़ा। देखना, भरत ही जीती हैं। ना मंथरा, राम जीती है। इतना विश्वास? राम फिर राम है। सरू चढ़ाइयो राम का। आज तो खाने की मत सोच बेटू, भाग। सिपाही तैयार? हाँ भैया। कोई शंका? नहीं भैया। चल। राजकुमार संभल के। भैया पकड़ा।
चल। मार निशाना भारत। राम भैया फिर से। कभी तो अपने छोटे भाइयों को जीतने नहीं दिया करो राम भैया। जो करता हूँ अपने छोटे भाइयों के लिए ही करता हूँ। मेरे छोटे भाइयों। के नीचे आज ये जवान हो गया है, हवा से तूफान हो गया है, अब आएगा मारने का मजा। बबला फू कर देंगे यार। क्यों जय श्री राम। साथियों को बुलाओ। नहीं लक्ष्मण, मेरा धनुष बांट दो जल्दी। या वो क्या था पता नहीं, समय बताएगा।
अरे भाग गया, रावण हार गया। भागो, मारीच मामा, क्या कह रहे थे तुम? महाराज जुबान फिसल गई नीच की, मुर्गी ले मर्दू ले मरीच की, आपके पैरों की धूल अपने माथे पे मलता हूँ, आपकी जय जयकार करके मैं उछलता हूँ। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। चले कहाँ मामा, अब ये काया रावण तेरे शरीर से खाल खींच कर ढोल बनाएगा और दिन भर बजाएगा। आपकी एक हुंकार से पूरा ब्रह्मांड हिलेगा, फिर फटे ढोल मरीज को बजा के आपको क्या मिलेगा? राम श्याम नारायण ब्रह्मा आपको देख के करते हैं उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा। बस आवाज सहन नहीं होता, ये उड़ती खबर का चूसा तीसरा हमेशा डुबोता है हमको। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक और मौका, सिर्फ एक। बोलो जनाब, कौन है वो जिसे आपने ही बांध के रखा है एक भयानक वन में? कौन है जो मुक्त होते ही पूरी पृथ्वी लोक को निगल सकती है? माताओ और भ्राताओ, खुद अपनी ही मौत को बुलावा देने का ये सीधा कार्यक्रम आप देख रहे हैं तीसरे के सौजन्य से। लेकिन बुरा नहीं है, अगर वो निकली तो अवतार और मनुष्यों की तो समाप्ति समझो, उसको बाद में देख लेंगे। और सारे राक्षस ये तमाशा देखेंगे मैदान में। पहला पन्ना समाचार है अवतार। बुरा समाचार है, ताड़का छूट गई है। ताड़का ब्रह्मर्षि विश्वामित्र? लेकिन उसे तो हजार साल पहले उस बंजर वन में बांध दिया था देवताओं ने। देवताओं ने बांधा था ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, रावण ने मुक्ति दे दी है, अब अपने स्वरदान के दम पर वो सबकी नाक में दम कर सकती है। ताड़का मुक्त हो गई, अनर्थ हो जाएगा। महाराज हमें बचाइए, अगर उसे पूरनमासी के पहले रोका नहीं गया तो अयोध्या क्या पूरी धरती को खा जाएगी। मैं अपनी पूरी सेना भेजने को तैयार हूँ गुरुदेव। तुम्हारी सेना को अमरूद की तरह कच्चा चबा जाएगी वो। तो क्या उपाय है गुरुदेव, मार्ग दिखाइए। सिर्फ एक तरीका है, राम ये लड़ेगा ताड़का से। राम अकेला उस राक्षसी से जिससे देव भी डरते हैं? क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सिर्फ राम ही अयोध्या को बचा सकता है। हे महाज्ञानी, मैं दया की भीख मांगता हूं, कोई भी कुछ भी, राम नहीं। केवल राम अयोध्या नरेश। क्षमा। तो फिर अयोध्या में मेरा कोई काम नहीं, परसों सुबह तक तो अयोध्या ही नहीं रहेगी। ब्रह्म ऋषि महाराज, ये ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र खुद राज क्षत्रिय रह चुके हैं,
सप्तऋषियों में सर्वशक्तिशाली है। इनके साथ जाने से राम को देवों के अस्त्रों की प्राप्ति होगी महाराज। राम सुरक्षित रहेगा। बाबा, क्या मैं कुछ बोल सकता हूं? बाबा, गुरु वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की बात जितनी कठोर है उतनी ही सच भी। अयोध्या की रक्षा करना मेरा धर्म है। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं ताड़का का विनाश कर दूंगा। संभल के, ये ताड़ का वन है। जोर से लंका नरेश, मुझसे शादी करो। आपकी दासी बनना चाहती हूं। मुझसे शादी करो। जल्दी शुरू होने वाला है मौत का खेल, ताड़का और अवतार के बीच। आपको क्या लगता है परीच? हाँ मारीच, इतिहास देखें तो ताड़का ने आज तक 400 बार ये खेल खेला है और कभी नहीं हारी। वैसे एक बार बरसात की वजह से खेल रद्द हुआ था। हाँ, पर आज कोई बरसात नहीं बचाएगी अवतार को। मेरे ख्याल से 60 क्षण में खत्म हो जाएगा। मारीच, रावण से जो पंगा लेगा चूर चूर हो जाएगा। और यहाँ नारे भी हो गए हैं शुरू। अब देखते हैं कौन पहले मरता है, चेले या गुरु। ताड़का की आत्मा और ये वन एक हो गए हैं। ताड़का ही ताड़का वन है। काम ये विकार है, शरीर की कमियां हैं, इन्हें मारकर ही तुम इन्हें मुक्त कर सकते हो।
कार्य पूरा करो, ताड़का का वध करो। धर्म का पालन करना पाप नहीं होता राम। पर गुरुदेव, नारी हत्या का पाप। इंद्र ने धर्म का चोला पहन विरोचना की बेटी को मारा। खुद विष्णु भगवान ने इंद्र पर हमला करने के लिए भृगु की पत्नी को मारा। धर्म का रास्ता पाप के अंत से ही निकलता है राम। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तूने ही तो कहा था सबको दिखाओ, तुझे तो मैं चुन चुन के बदला लूंगा मैं। माताओं और भ्राताओं, बदला लेने का मौका फिर है मिला, क्योंकि विश्वामित्र दोनों छोकरों को लेकर पहुंच रहे हैं मिथिला। मिथिला Oh
बोल के आया करो। मुझे क्या पता कि तुम आज भी तलवारबाजी कर रही हो। तलवारबाजी नहीं, कला बोलो। अरे कला हो या कलाकंद, ये याद है कि नहीं आज तुम्हारा स्वयंवर है। ओ आज है। मेरी किस्मत में शादी कहाँ, हर बार की तरह कद्दू से भारी और लौकी से लंबे मुष्टंडे आएंगे, मूंछ घुमाएंगे पर मेरी परीक्षा में फुस हो जाएंगे। क्योंकि ये परीक्षा नहीं, महादेव की ललकार है। अगर कोई सीता से शादी करेगा तो महादेव के जिगर वाला तो होना ही चाहिए। क्या इन्हें पता है? ओहो, सुना सीता, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के साथ खुद रामचंद्र और लक्ष्मण आए हैं अयोध्या से। राम? चलो ना सीता, चलो भी। हाँ, रामचंद्र और लक्ष्मण ने ताड़का को भी पार लगा दिया। ताड़का को? वैसे दिखते कैसे हैं? ये क्या, 3 महीने के लिए मैं मायके क्या गई? घर की हालत तो देखो, ये गीला तौलिया फिर बिस्तर पे। विवाह सलाहकार ने कहा था कि हमें खुल के बातें करनी चाहिए, और ये क्या? तुमने शादी की अंगूठी फिर उतारी, और ये? आज भोजन बाहर है। कब तक आओगे? तुम कहो तो मैं रुक जाऊं। रानी चुप करो, ये माता समान है। नफरत है मुझे इनसे। वैसे आज की उड़ती खबर सुनी? क्या हुआ है आठ? कुछ खास नहीं, बस लोग कह रहे हैं कि रावण ने मूकी खाई और अब भीगी बिल्ली की तरह दुबले कुत्ते के दड़बे में छुपा छुपा फिर रहा है। मूर्ख लोग, मूर्ख दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मिथिला और सीता। कहाँ है ये सरफिरी लड़की, फिर देर कर दी। कितना समय लगा दिया। सारे राजे महाराजे कृपया अपने स्थान पर विराजे, स्वयंवर की सुप लड़की उत्तरी घड़ी आ गई है। शिव तनुष लाओ। स्वयंवर शुरू किया जाए। इतने सारे चूजे एक ही जमघट में, कहाँ है वो अवतार? अरे वो रहा बुड्ढे के साथ। और वो कौन? सीता माता। सीता, स्वयंवर व्यंबर छोड़, मैं रावण आ गया हूँ। रावण, ये जगह और समय तुम्हारे लिए नहीं है। कौन रोकेगा मुझे? ये राम, मसल दूंगा मैं इसे जब चाहूं। कोशिश तो तुम बहुत कर रहे हो रावण, लेकिन राम अभी भी जिंदा है। राम! आदेश गुरुदेव। इस धनुष को उठाओ। आशीर्वाद दें गुरुदेव।
ये धनुष मुझे दे। गलत हाथों में जाने से अच्छा है रावण। इस राम की तो मैं। अरे रुक जाओ भाई, पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है। ये देखो। अरे राम स्वयंवर जीते और रावण ने मूंगी खाई। अरे मैं कह रहा हूँ इनसे पंगा मत लो, किसी से पंगा मत लो। हाँ यही अच्छा है तुम्हारे लिए, चुपचाप कट लो। खत्म नहीं हुआ बच्चे, मैं वापस आऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। आगे चलो। अरे अरे आगे चलो। सुन सब नर नारी रे लो वीर तजीती रे कायरता हारी। राम लल्ला की जय बोलो, राम लल्ला की जय, राम लल्ला की जय बोलो, राम लल्ला की जय। मन के मंदिर राम अब बस। राम लल्ला की जय बंधु, राम लल्ला की जय बोलो रे, राम लल्ला की जय। जो रामचरित जाने वो है ये बताता, आदर्श पुत्र है वो आदर्श है भ्राता। राम काम मेरा लगन है, अधर मगन पे राम भजन है, नगर मगन है। और भ्राताओं, आज फिर लंका की सड़कों पर गुस्साई भीड़ ने रावण के पुतले जलाए। सब जगह एक ही सवाल है, क्या रावण सीता और राम से डर गया? अकेला कर दो राम को, अकेला कर दो। अकेला होगा तो फिर कौन बचाएगा उसे? सही है, राम को अकेला कर देंगे फिर ना रहेगा राम और ना बनेगी रामायण। चारों राजकुमारों का ब्याह। मंथरा अब काम बहुत बढ़ जाए तुहार। 10 दिन का जश्न हुई, 10 दिन चैन ना मिली मंथरा को। लंका वापस चलो, सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। चुप रहे मच्छर की औलाद। मंथरा यहाँ आवा जरा। आवत है महारानी। हमार खातिर सबसे अच्छा कपड़ा और गहना तैयार रखियो। हमरे राम का राज तिलक है, सारी माओ में सबसे सुंदर लागी है हम। जी रानी। काट दे। ए मंत्रा काही इतना हिलत दुलत रही? राम का राज तिलक? हाँ, और हमका वो नया जोड़ा चाहिए। नहीं ये ठीक नहीं महारानी। अरे ये ठीक नहीं तो वो वाला दे दे। तुहार बेटा भरत राजा बनना चाहिए दशरथ के बाद, राम ठीक नहीं। ए मंत्रा धतुरा चबा के आई रही इनका, राम सबसे बड़ा है, सबसे होनहार,
और हमारा सबसे दुलारा। लेकिन भरत भी तो हार हुई, और याद करी वो वादा जो दशरथ दिए रहे तो का 20 साल पहले। अब वादा अच्छे से याद आएगा। याद करी रानी जी, वो तू ठोवा दे। सब याद है मुझे। ये हुई ना बात। अब बजी आओ तार की पुंगी पुंगी। राम, धोखा। कौन जीता? जीता तो मैं हूँ। अरे तुमने आंखें झपकाई, तुम हार गए, मैं जीती। तुम भी जीती, मैं भी। तुम कैसे? तुमने क्या जीता? तुमको। कैकेयी, दया करो, ये पाप है। पाप? अगर तुमने वचन पूरा नहीं किया वो पाप होगा, घोर पाप। बाबा आपने बुलवाया? हाँ राम, तुम्हारे बाबा तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। नहीं तो सुनो, मैं ही कहती हूँ। बहुत साल पहले युद्ध भूमि में मैंने तुम्हारे बाबा की जान बचाई थी, जिसके लिए इन्होंने मुझे वचन दिया था। मैं जीवन में कभी भी उनसे कुछ भी मांग सकती हूँ, और वो भी 2 बार। जी कह कही माँ। आज मैं उन दोनों वचनों की पूर्ति चाहती हूँ। जी कह कही माँ। पहला वचन, मेरा बेटा भरत राज सिंहासन पे बैठेगा, तुम नहीं। खुश हो? जी कह कही माँ। भरत होनहार है, बलवान है, महान राजा बनेगा, मैं खुश हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। दूसरा वचन, तुम 14 साल के लिए वनवास जाओगे। क्यों, अब रुकी हंसी? नहीं कह कही माँ, ये तो मेरा सौभाग्य है। शायद अवतार की बुद्धि ठिकाने नहीं है। अभी इसी वक्त इसी हाल में साथ में ऐसा कुछ नहीं ले जाओगे जिसका मोल हो, और 14 वर्ष तक वापस तो क्या इस तरफ देखोगे भी नहीं। जी कह गई माँ। बस कह गई बस, भरत ही राजा बनेगा, राम को क्यों इतना कठोर दंड दे रही हो? जब तक ये यहाँ रहेगा अयोध्या के लोग किसी और को अपना राजा कभी नहीं मानेंगे। मुझे क्षमा करो पुत्र, मुझे क्षमा करो। धर्म के पालन में क्षमा की कोई जगह नहीं है बाबा। आपका वचन और माँ की इच्छा मेरा धर्म है। तो जाओ पूरा करो अपना धर्म 14 साल तक। कह कही माँ। आशीर्वाद कह गई माँ। तुम्हें मेरा आशीर्वाद चाहिए? माँ जो भी हो, माँ माँ है। युग युग से हमरे है फिर भी है प्यारे राम। राम उज्जवल है सूरज से चंदा से प्यारे राम। धन्य हुई वो माता घर जिसके जन्मी राम। धन्य हुई वो माता घर जिसके
सच्चे राम। ना तो मेरी छोटी उंगली का खेल है, लंका मेरी है। देता हूँ लंका वालों को राम से लड़ने का कारण। बहन शूर्पनखा को बुलाओ। आई भैया। अरे बहना, राम तुझे पसंद है ना? हाँ भैया, वो तो कड़क है, रोबीला, गठीला, लचीला, दुरंधर, सिकंदर, मेरे दिल के अंदर इश्क समंदर। बस 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 बहना, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। राम जैसे महायोद्धा को चाहिए तुम्हारे जैसी क्रू। चुप। शक्तिशाली, डील डॉल वाली स्त्री। मनुष्यों और असुरों का मिलन ही दुनिया में तबाही बराबरी ला सकता है। तो कहो बहना, बनोगी शांति का दूत? जीतोगी राम के मन को? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन ये हो सकेगा भैया? बस तो थोड़ी बदल जाए तो। हाँ हाँ भैया, प्यार सबको बदल देता है। मैं बदल जाऊंगी राम के लिए, मांस मच्छी छोड़ दूंगी। ये कैसा है? अरे बाप रे, ये नहीं, ये अच्छा है पर कुछ और। ये नहीं, ये और भी भयानक है। और ये, मैं कुछ मदद करूं? ये हुई ना बात। अति सुंदर, अब तो राम पिघल ही जाएगा। हाय, कहीं नजर ना लगे। वाह गुरु वाह, ये अच्छा तीर मारा।
लगता है तूफान आएगा। तो तुम हो राम की मर्यादा। बड़ी सूखी और उदास मर्यादा है। सोच रही हूँ पहले तुम्हारा सूखा परिचय लूं या उदास मुंह तोड़ूं। परिचय सुनकर तो तुम डर जाओगी। रावण की बहन शूर्पनखा। ओ 14,000 लाशों से आगे गिनती आती है तुम्हें। 14,001। उल्टी गिनती तो तेरी शुरू हो गई है। तेरा अंत और राम की बाहों में मेरी जगह पक्की। हाय तुम्हारी सुंदर त्वचा पे दाग तो नहीं लगा। दाग नहीं अब आग में झुलसेगी तू। अरे आप लक्ष्मण भैया दांडक वन के सबसे श्रेष्ठ योद्धा और आप हो मेरे राम। राक्षसी जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ इस तलवार की नोक का फासला है। अभी इसी वक्त लौट जा वरना यम भी परेशान हो जाएंगे तुम्हें पटोरते पटोरते। अगर मेरे नहीं तो किसी के नहीं रहोगे राम। ये क्या किया तुमने राम मेरी नाक। जाओ राक्षसी हमारे संयम की परीक्षा मत लो। तुम भाई जानते नहीं कि क्या कर बैठे हो। मेरे अपमान का कोयला तुम सबको जला देगा। तुम सबको भस्म कर देगा। कुछ भी हो जाए चाहे स्वर्ग नर्क में मिल जाए सूरज बुझ जाए या चांद जल जाए राम और लक्ष्मण नहीं बचने चाहिए। बिल्कुल मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा बहना। बातों की छड़ी नहीं क्रोध का भाला चाहिए मुझे उनके सर चाहिए मुझे। नहीं बहना ये जाल। हाँ बहन क्रोध का भाला ही मिलेगा। अब पहला भाग खत्म। उड़ती खबर टूटते समाचार पूरी लंका मेरी मुट्ठी में। भाग दो शूर्पनखा। क्या इतनी सस्ती है लंका की इज्जत। लंका को चाहिए रावण। राम का बढ़ता आतंक शूर्पनखा पर नहीं ये हमला लंका की आत्मा पर है। जागो लंका के राक्षसों जागो। कुछ मांगने गई थी उपहार लेकर गई थी शांति का दूत बनकर गई थी भूत बनकर वापस आई है। एक निहत्थी राक्षसी अबला मासूम भोली और राम का ये पैगाम लेकर आई है। कोई भी राक्षस मनुष्य से दोस्ती करने की सोच भी नहीं सकता। यही समय है राक्षस एकता दिखाने का अवतार को धूल चटाने का और शुरू करने का युद्ध। ना भांजे ना राम नहीं अरे मेरी खाल का क्या कोई दाम नहीं। केवल एक क्षण के लिए बस उसका ध्यान आता है फिर तो भाई। माना कि मेरे सर पे आपके नाम की छत है पर होना तो मेरा राम नाम सत है। मामा राक्षस हो चूजे की तरह मत रहो जाओ। ना भांजे ना
ऐसा खेल नहीं खिलाते। शूरवीर हो तो खुद क्यों नहीं जाते? डर की लकीर तो तुम्हें भी जकड़ी है, फिर हम किस खेत की ककड़ी हैं? दिखा दूंगा उसको कि कौन डरता है। वही ड्रामा घड़ी घड़ी, फिर शूर्पणखा क्यों बलि चढ़ी? उल्लू का पट्टा। हम डरते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ये नाच कहाँ से सीखा राम जी? हम सूर्यवंशी सिर्फ अस्त्र शस्त्र और युद्ध नहीं जानते सीते, कुछ मिथिलावली बातें भी हैं हमें। आहा, क्या क्या सीखा इस मिथिलावासी से पिछले 12 वर्षों में? थोड़ी सी मिठास, थोड़ा अंदाज और थोड़ा सा एहसास। अच्छा, तो अंदाजा लगाइए कि आज का दिन खास क्यों है? क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तो बाकी दिन कहाँ होती हो? मैं बिल्कुल भूल गया सीता, आज हमारा विवाह हुआ था। अयोध्या वासी, आशीर्वाद दो। सीता, तुम मेरे लिए वरदान हो। शब्द नहीं मिलते तुमसे कहने को। तुम्हारे बिना इस वन में रहना मुश्किल होता, जिस तरह तुम सब कुछ छोड़ के आई मेरे साथ। राम जी, मैं जिसके साथ यहाँ आई वही मेरा सब कुछ है। सीता, आज तो तुम्हें देने के लिए कोई उपहार भी नहीं। पर मुझे तो अभी चाहिए। क्या? वो हिरन, अभी। लक्ष्मण जी। भैया। लक्ष्मण, सीता का ध्यान रखना। जी भैया। लक्ष्मण, भाग मरीज भाग, तेरे फूट गए हैं बाल। लक्ष्मण इधर। लक्ष्मण, ये तो तुम्हारे भैया की आवाज है। हाँ भाभी, पर भैया ने कहा था कि... लक्ष्मण तुम जाओ, वो तुम्हें बुला रहे हैं। इस रेखा के बाहर मत आना, मैं भी आया। मामा, इसको कुटिया से दूर ले जाओ। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। इतना आसान है तो खुद कर ले, इससे पहले कि मामा मर ले। नमस्कार ऋषिदेव, आपने मुझे चौंका दिया। बहुत थक गया हूँ बालिके, दूर से आया हूँ, थोड़ा पानी मिलेगा? जी अवश्य, आप बैठिए, मैं लाती हूँ। ऋषिदेव, ऋषिदेव। सीता, पहचाना मुझे? तू राम की मर्यादा धूल में। क्यों, कैसा लगा धूल का स्वाद?
और मेरा नाम है राजकुमारी सीता। तुम सबका सर कटने वाला है। पंचम, मायावी शक्ति का प्रयोग करो। राक्षस, चल पुष्पा पलट सवार। कोई लंका का रास्ता जानता है? रावण का देश है वो, उसकी राक्षसी सेना है वहाँ। आपको भी सेना बनानी पड़ेगी। इस वन में सेना कैसे बनेगी? पूछिए, एक तरीका है मीरा दूर का भाई मदद कर सके। खुश तो बहुत हो गए आज तुम सब। वादा पूरा करके आया हूँ, युद्ध की पहली बंदी बना के लाया हूँ, शत्रु की धर्म पत्नी सीता। ओहो, बड़े किस्मत वाले हो, कितनी सुंदर कैदी। क्या भक्ति हो, ये मेरे शत्रु की पत्नी है, मेरा शत्रु यानी लंका का शत्रु। शत्रु बनाना तो कोई आप से सीखे। रूपवती, फूलमती, मंदोदरी, होश में रहो, इसीलिए तुमसे बात कम करता हूँ मैं। राई का पहाड़ बना देती हो? एक बात, सिर्फ एक बार मुझे बाहर आने दे। गुस्सा नहीं होते राजकुमारी, राजकुमारी है, सम्मान सहित सेवा करना इनकी। आपके पिताजी का रास्ता है, मुंह उठाया और चल भाया। ओए बंदर, तू जानता भी है किसके मुंह लग रहा है? पहली बात, मैं बंदर नहीं वानर हूँ, और दूसरी बात, मैं आपके नहीं, आप मेरे मुंह लग रहे हो। देखिए, हमें सुग्रीव जी से मिलना है, बहुत आवश्यक है, आप हमारी मदद करेंगे? सीखो इनसे, सीखो सज्जन पुरुष। आप जा सकते हैं,
वो नहीं। भैया आप आदेश दें तो मैं इसकी बोलती बंद कर दूं। बंदर का बच्चा। ओ तेरी। अब इस बंदर को हटा के उस पार जाओगे? भैया एक तीर। बस लक्ष्मण, दोस्त ढूंढने आए हैं, दुश्मन बनाने नहीं। तुम मेरी बात ही नहीं सुनते। पहले भी तुमने सीता। ओए बंदर! लक्ष्मण, हनुमान, बस। आप मुझे जानते हैं? हाँ हनुमान, मैं राम हूं। राम जी मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। उठो। किष्किंधा में आपका स्वागत है। कुशाल मुकुल गगो। राम जी, मेरी पूरी वानर सेना आपकी है। लेकिन आप तो देख ही रहे हो, हमारा तो राज्य भी हमारा नहीं रहा। वाली को रावण ने ऐसा वरदान दिया है जिससे वो अपने दुश्मन की आधी ताकत ले सकता है, फिर कैसे हारेगा वो? राम जी, आप तो महायोद्धा हो, आप ही कोई रास्ता दिखाओ। और डरपोक और खसमान खाने महाराज, सुग्रीव द्वार पर है। वाले बाहर निकलो। आए सुग्रीव, इन्नी वारी कार तेरे को सेरे सेरे पंगा खा लिया कर, और फिर बेइज्जती कराएगा अपनी। आज नहीं बचेगा तू।
महिष रूपन का लंका का स्वाभिमान था विभीषण, लंका के हीरे थे वो 14,000 राक्षस भाई, और आज आज कुछ भी नहीं बचा। ये सब खत्म करने वाले खड़े हैं हमारे द्वार पर, खड़े हैं ताकि हम दरवाजे की कुंडी उतारे और वो हमारी गजरे उतारे। मनुष्यों के, बंदरों के, भालुओं के गुलाम बन के रहे हम। नहीं, कभी नहीं, गर्दन सबकी काट देंगे, टुकड़े टुकड़े बांट देंगे। 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 शुरुआत है, पहले कपाल मुंडियों से बच। बेटा लक्ष्मी, तेरी मौत तुझे ललकार रही है। इंद्रजीत, मौत को कहो इंतजार करे। ब्रह्मसुर, उसे भटकाओ। इंद्रजीत, यही है मौका। लक्ष्मण, इंद्रजीत सोच कर रहे हो, मारो इसे भी। चिंता ना करो चंबावत जी, हनुमान गया है ना, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी और राम जी के लिए गरुदा दोनों को लेके ही आएगा।
ओए शांत हो जा। ओए हनुमान जी, हनुमान भैया। हनुमान, एक बूटी मांगी थी, पूरा पहाड़ क्यों उठा के ले आया ओए? अब मुझे तो सारी बूटियां ही संजीवनी लग रही थी। अच्छा, और गरुड़ किधर है? ये! लंका नरेश। बोलो अब क्या हुआ? लंका नरेश तो दोनों फिर से जीवित हो गए हैं। जिस वानर ने आग लगाई थी उसी ने ठीक किया है। पापी कम्बा, खाना पीना बंद करो, निकलो। जाओ यहाँ से, निकम्मो। एक आवाज नहीं सुनना चाहता मैं, सब चुप। जय श्री। लंका नरेश कौन करण उठ गया है। इसे नहीं रोका तो हमारी सेना नहीं बचेगी। हनुमान, उसका ध्यान हमारी सेना से हटाओ। कुंभकर्ण, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, वापस लौट जाओ। कुंभकर्ण, अगर लक्ष्मण अपने भाई का धर्म युद्ध लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। राम जी, चिंता करो इंद्रजीत, हाँ।
Shit! Jai Shri Ram! 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 मारूंगा विष्णु अवतार, फिर से अवतार लेने के लायक नहीं बचेगा तू। राम जी रावण की नाभि में मारिए, इसी में उसकी जान है।